अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक किचन। आज की हमारी रेसिपी है साग की। सरसों का साग बनाएंगे लेकिन कैन के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इसमें हम जो चीज़ें डालेंगे वो हैं, दो अदद कैन लिए हैं मैंने, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, मेरा इंडस का है तो ये 850 ग्राम ईच है, तो आप ये क्वांटिटी हाफ करके में भी बना सकते हैं। और स्पिनिच का एक कैन लिया है मैंने जो कि है 400 ग्राम्स। तो सबसे पहले स्पिनिच को हम रिंस कर लेंगे अपने स्ट्रेनर में या किसी भी छलनी में डाल के, पानी ठंडे पानी के नीचे इसको रिंस कर लेंगे। लेकिन साग को रिंस नहीं करना, सिर्फ आप स्पिनिच को रिंस कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने दोनों कैन्स एक पॉट में डाल दिए हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। सरसों का साग है, स्पिनिच का साग है और चॉप्ड गार्लिक है जो 1 टेबलस्पून है, चॉप्ड जिंजर या जिंजर पेस्ट है जो 3 टेबलस्पून है, और ग्रीन चिलीज़ लेंगे हम 10 से 12 आपके टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे मैंने 3/4 कप ऑयल ले लिया था, उसमें रेड चिलीज़ डाल दी थी, ड्राई चिलीज़ हैं ये, और इसमें चॉप्ड गार्लिक और जिंजर ऐड कर दिया। इसको हम भून लेंगे तब तक जब तक कि ये अच्छा सा कलर दे देता है। दरमियान दरमियान में इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसका इवनली कलर आए, और इसको यूं ही छोड़ नहीं देना कि ये बर्न हो जाए और इसमें बिटरनेस आ जाए। तो इस तरह से इसका कलर आप देखें चेंज हो रहा है, तो इसको इस पॉइंट पे मैं चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये जले नहीं और एक जैसा कलर हमें आ जाए। और ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है जो हमें रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे मैंने इसमें स्पिनिच को ऐड कर दिया है, रिंस की हुई है ये स्पिनिच और इसका पानी सारा अच्छे से ड्रेन ऑफ कर लिया था, स्क्वीज़ कर ली थी। तो यहाँ पे साथ में मैंने हल्दी पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून है, और रेड चिली पाउडर है वो 1 टीस्पून है। तो इसको पहले ऑयल में साइड पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे मसालों को, और फिर जो स्पिनिच के साथ इनको मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह स्पिनिच को अब हम भूनेंगे। खूब अच्छा सा टाइम देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट मुझे 15 मिनट हुए थे इसको भूनने में, ताकि इसका अच्छे से इसका तमाम जो अरोमा है वो भी निकल जाए और कच्चापन जो होता है पालक में वो सारा हमने निकालना है, इसलिए इसको थोड़ा सा लंबा भूनेंगे। तो ये देखें, और इसके अंदर जो एक मॉइस्चर होता है वो भी एवेपोरेट हो जाए। तो इसको मैंने अच्छे तरह से भून लिया था, इस तरह से देखें ये ड्राई हो गया है। तो मैंने अब इसमें इस पॉइंट पे साग को ऐड कर दिया है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, और जब तक हम इसे कुक करेंगे जब तक कि इसका सारा पानी एवेपोरेट नहीं हो जाता और ये साइज़ में रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चों को भी ऐड कर दिया था, और इन्हें मिक्स कर देंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है वो साग के साथ अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। साथ में इनको पकने रख देंगे। इस तरीके से आप चिलीज़ को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैंने कुछ ज़्यादा डाली हैं, और ये बारीक वाली सब्ज़ मिर्चें तो और भी ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैं ओकेजनली इसको ढक्कन उठाती हूँ, चम्मच चलाती हूँ, फिर ढक्कन लगा देती हूँ। तो ये थोड़ा सा हमें पेशेंस के साथ करना होगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे सारा पानी एवेपोरेट होते हुए। तो ये अब रिड्यूस होना शुरू हो गया है। यहाँ पे हम ख़ास तौर पर ख्याल रखेंगे चम्मच चलाने के लिए कि ये अब लगे ना, क्योंकि ये खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे देखें ये सारा पानी तकरीबन से निकल आया है, और ऑयल भी इसमें से निकलना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पे हमारा साग रेडी है, इसको डिश आउट कर लेंगे इस तरह से, अपनी डिश में निकाल लें। और इसको मैंने बटर के साथ सर्व किया था, चपातियाँ बनाई थी साथ में, आप अपनी पसंद से इसको सर्व कर सकते हैं। और ये देखें हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस, ये खाने में बिल्कुल नहीं लगेगा, ये कैन से बना हुआ है, अगर आप रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह फॉलो करेंगे। तो अपने साग को एंजॉय करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा बना आपका साग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।